हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 15 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ कुछ एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले जो न्यूज़ आई है वो आई है मेनली डक्कन पोर्ट के बारे में। तो हम डक्कन पोर्ट की जो लोकेशन है वो देख लेते हैं। यूपीएससी लोकेशन वगैरह के बारे में क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। तो देखो, डक्कन पोर्ट की लोकेशन है वो मेनली यहाँ पे है, ये मेनली ओमान के अंदर है। और अभी जो भारत के प्रधानमंत्री ओमान यात्रा पर गए थे तो उसी दौरान एक स्ट्रेटजिक एमओयू है वो साइन हुआ था। अब न्यूज़ एक्चुअली ये है कि जो डक्कन जो पोर्ट है डक्कम जो पोर्ट है इसको इंडिया की एक्सेस दी गई है। मतलब स्ट्रेटजिकल रूप से इंडिया इस पोर्ट का यूज़ कर सकता है मिलिट्री यूज़ के लिए। तो ये चीज़ हमें पे ध्यान रखनी है। अब इसकी देखो लोकेशन हमारे लिए काफ़ी अहम होती है क्योंकि जो अरब सागर है इसमें इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छे पॉइंट पर है। यहाँ पे देख सकते हो आप, गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ है और इधर ही जस्ट पास में ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अहम पार्ट है चाइना के द्वारा। और यहाँ पर आपको पता है कि इंडिया का एक काफ़ी अहम पोर्ट है जो कि इंडिया द्वारा डेवलप किया गया था, तो वो चीज़ भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। चाबहार पोर्ट है तो लोकेशन इसकी काफ़ी अहम है, तो इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यूपीएससी के ऊपर क्वेश्चन पूछते कि रिसेंटली कहाँ है मूवी वगैरह साइन हुआ, डक्कन पोर्ट कहाँ गया, तो ये डक्कन पोर्ट है, इसकी लोकेशन है ओमान, ओमान कंट्री के अंतर्गत आता है और मैली अरब सागर को ये फेज करता है। तो इसी के बारे में न्यूज़ थी। लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पे है वो हमने डिस्कस किया। इसी के साथ इसके दूसरे जो इसके नियर बाई पोर्ट है वो भी हमने देखे क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत ही अच्छे पॉइंट पर है इंडिया की सिक्योरिटी मुद्दों के लिए देख लो, या फिर इंडिया के मिडिल जो वेस्ट है उसके साथ रिलेशन के तरीके से देख सकते हैं। तो इसलिए लोकेशन बहुत अहम होती है। तो ऑल ओवर हमने इसके बारे में जो पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं, अगली जो न्यूज़ आई है वो मेनली आई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखो ये पूरा कंटेक्स्ट है, पहले तो वो देखते हैं कि क्या तो सिनेरियो है और क्या इस पे यूपीएससी को क्वेश्चन पूछ सकती है। तो कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि है क्या, फिर हम कंटेक्स्ट को समझेंगे ताकि हमें ढंग से समझ में आ जाए। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एमसीआई को 1934 में बनाया गया था। काम क्या है इसका, इसका काम देखो ये है कि जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है इंडिया में या जो भी मेडिकल कॉलेज वगैरह हैं उन सबके लिए गाइडलाइन वगैरह बनाती है, उन सबके लिए सिलेबस है वो तैयार करती है कि किस तरीके का सिलेबस होना चाहिए। और इसके बाद उनका जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी है, उन सब वो है मेंटेन करती है कि किस तरह की क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए। तो ये सारे काम किए जाते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। डॉक्टर्स वगैरह को रेगुलेट करने के सारे काम इसके तहत ही किए जाते हैं। तो अभी कंटेक्स्ट एक्चुअली है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने उसके द्वारा भी नीट की एग्जाम आयोजित करी जाती है, जो कि आपको पता है कि ऑल इंडिया में कॉमन टेस्ट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेनली मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है कहीं भी तो उसके लिए कंपलसरी कि ऑल इंडिया में एक ही टेस्ट है। नीट से पहले क्या होता था, नीट से पहले AIPMT और हर स्टेट की से अलग अलग एग्जाम होती थी। तो उसमें ये होता था कि कुछ स्टेट हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देते थे और कुछ अलग, तो उसमें काफ़ी विवाद होता था। इसीलिए गवर्नमेंट बाद में लास्ट ईयर वो नीट की एग्जाम लेके आई थी। तो अब इंडिया में जो भी सीटें भरी जाती हैं मेडिकल कॉलेज वगैरह में कहीं भी, तो वो भरी जाती हैं नीट के तहत। तो नीट का देखो काफ़ी स्टेट्स ने विरोध भी किया था कि भाई हमारे यहाँ पे सिलेबस अलग होता है, बट अगर ऑल इंडिया में आप एक ही सिलेबस रखोगे तो हमारे स्टेट के बच्चों को नुकसान होगा। तमिलनाडु का भी मुद्दा था, वो चीज़ें अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारे लिए जो कंटेक्स्ट है वो देख लिया हमने, एमसीआई बॉडी के बारे में हम देख लेंगे। तो अभी इसी के साथ इसमें एक काफ़ी अच्छा पॉइंट आता है, वो आता है मेनली FMGE के बारे में, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम के बारे में। अब देखो क्या होता है, कई बच्चे क्या कि फॉरेन से मेडिकल MBBS वगैरह वो करके आते हैं, तो अगर वो फॉरेन से MBBS करके इंडिया में आ रहे हैं तो उन्हें इंडिया में एक टेस्ट एग्जाम देनी होती है जो होती है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम। तो देखो होता क्या है कि बार कि जो बच्चे फॉरेन में ग्रेजुएशन करने जाते हैं मेडिकल के लिए, मतलब MBBS करने जाते हैं, उनकी जो भी यूनिवर्सिटी होती है कई बार वो क्या कि वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेती हैं बच्चों की, वो डायरेक्टली एडमिशन दे देती हैं। तो उस कंडीशन में होता है कि वहाँ पर बच्चे उनमें क्वालिटी नहीं हो पाती है और फिर जो बच्चे वहाँ से डिग्री लेके इंडिया में आते हैं और फिर इंडिया में जब उनके लिए टेस्ट आयोजित होता है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम, इसमें वो फेल हो जाते हैं, तो उनको काफ़ी सारी दिक्कत आती है। और इसीलिए गवर्नमेंट है वो भी जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है इसके कुछ अमेंडमेंट वगैरह करना चाहती है इस समस्या के समाधान के लिए। तो ये तो सारा कंटेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। इसी के साथ में यहाँ पे एक नया पॉइंट आता है, वो आता है नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में, तो यह भी हम देख लेते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो बनाया गया था 1934 में और इसके लिए एक्ट था वो था मेडिकल काउंसिल एक्ट 1933। तो मतलब आप खुद देख सकते हो कि काफ़ी पुराना यह एक्ट है और काफ़ी पुराने तरीके से इसे रेगुलेट किया जाता है। मतलब हमारे देश के जो भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है उन्हें बहुत ही पुराने तरीकों से रेगुलेट किया जाता है, बहुत पुराने एक्ट्स के तहत, उनमें कोई संशोधन वगैरह नहीं किया गया, ना ही वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग परफेक्ट हैं। तो इन सब बातों को मद्देनजर देखते हुए कि भाई आज के टाइम पे अलग क्वालिटी से एजुकेशन की अलग तरीके के स्टैंडर्ड वगैरह होना चाहिए, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को हटा के एक नई बॉडी बना दी जाए जिसका नाम हो नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लेटेस्ट मॉडल है, जैसे कि एंड्रॉयड के नए वर्जन आते हैं 3.0, 4.0, 5.0, उसी तरीके से आप बोल सकते हो कि एक नया वर्जन है उसका नाम गवर्नमेंट रखा गया मेडिकल कमीशन।
बट ध्यान ये रखना कि अभी तक ये पास नहीं हुआ, अभी तक ये बिल मतलब पेंडिंग अभी ये हुआ नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि अभी तक जो बॉडी है उसका नाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, बट अगर ये बिल पास हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में तो बाद में बॉडी का नाम हो जाएगा नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये सारी जो केस था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हमने ये भी देख लिया कि MCI कौन सी बॉडी है, क्या इसका काम है, वो सारी देख ली। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो मेनली आई है नए गेटवे के बारे में कि साउथ ईस्ट एशिया का एक नया गेटवे बना है इंडिया में जिसका नाम है जोगजोपा। जोगजोपा ये जगह का नाम हमें याद रखना है कहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। इसकी लोकेशन है वो आसाम में। तो सबसे पहले तो इसका मैप हम लोकेशन देखते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो ये आप देख सकते हो आसाम के इस एरिया में मेनली जो ब्रह्मपुत्र रिवर भी देख रहे हो, ये आप ब्रह्मपुत्र रिवर देख रहे हो यहाँ से आती हुई। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के मेनली यहाँ पे ऊपर की साइड जो हिस्सा है इस हिस्से में ही है जो जो जी बात जो मैली है सिटी है यहाँ की, और इसके अंदर ही यहाँ पे बनाया जा रहा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो इसी को लेके न्यूज़ आई है। तो लोकेशन काफ़ी अहम होती है। देखो लोकेशन इसलिए अहम होती है कि अगर इंडिया का मेन लैंड अगर नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट होता है तो उसको देखो इस पतले से रास्ते जाना होता है। तो ये जो पतला सा रास्ता है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेनली चिकन कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से। तो इसका एक तो अल्टरनेट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो अगर इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के इस वाले से नागालैंड में मणिपुर वगैरह में त्रिपुरा में अगर सामान पहुँचाना है तो केवल इस रास्ते के थ्रू ही सामान जाता है या फिर एयर रूट के थ्रू। बट अगर अब ये यहाँ पर प्रोजेक्ट बन जाएगा तो ये हो जाएगा कि इंडिया को भूटान और जो बांग्लादेश है वहाँ से आराम से एक्सेस मिल जाएगी। तो यहाँ से ट्रेड वगैरह है वो आराम से हो पाएगा। तो इससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। एक तो इन इस वाले एरिया में डेवलपमेंट भी होगा, इसी के साथ इन इस वाले एरिया में अगर कोई भी पूर्ति वगैरह करनी होगी तो बांग्लादेश के थ्रू की जा सकती है या फिर भूटान के थ्रू की जा सकती है। तो ये सारे काफ़ी बेनिफिट हो जाएंगे। और इसी के साथ जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी रिलेशन इंप्रूव करने में या ट्रेड करने में काफ़ी फायदा होगा। तो ऑल ओवर बात ये कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो नॉर्थ ईस्ट के एरिया में डेवलपमेंट में काफ़ी आसानी होगी और इंडिया का जो चिकन कॉरिडोर पर जो इसकी इंपॉर्टेंस है मतलब इस पर इतना लोड नहीं रहेगा। तो ये कंटेक्स था सारा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या पॉइंट्स था। आगे इसमें ये कि जो नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, न्यू गेटवे प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जोगजोपा वाला, इसमें क्या है, इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उनका निर्माण किया जाएगा। मतलब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब ये है कि उसमें रोड रूट, रेल रूट, एयर रूट और वाटर रूट के थ्रू फोकस करते हुए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि सामान की आवाजाही अच्छे से हो सके और उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके। अब ये किसकी हेल्प से किया जाएगा, यह प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया जा रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल। कौन सा स्पेशल पर्पस व्हीकल है, वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ध्यान रखना कि इसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किसके द्वारा यह फंडेड है और प्रोजेक्ट का नाम के वो भी हमने देखा कि नया गेटवे है वो कौन सा है। तो साउथ ईस्ट जो एशिया का नया गेटवे है उसका नाम है जोगजोपा। लोकेशन हम देखें कि आसाम के अंदर है, ब्रह्मपुत्र रिवर की लोकेशन पे हमने इस पॉइंट को देख लिया। क्या क्या इसके फायदे होंगे, कौन कौन सी कंट्री वगैरह, वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं गवर्नमेंट उनको मर्ज कर रही है। तो इस पर UPSC क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों को भी रिसेंटली या इंश्योरेंस कंपनियों को गवर्नमेंट है वो मर्ज किया, कौन सी PSUs को। तो ये हमें ध्यान रखना है गवर्नमेंट की मेनली चार है बट तीन को ही मर्ज किया जा रहा है। पहली है वो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और तीसरी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो इन तीनों कंपनियों को गवर्नमेंट मर्ज करके एक कंपनी बना रही है एक इंश्योरेंस की, ताकि इसका फायदा क्या हो, इसका फायदा ये होगा कि एक तो हेल्थी कंपटीशन वो बनेगा, इसी के साथ गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। अब क्या है कि गवर्नमेंट का काम डिवाइड हो गया है इस कंपनी में भी, इस कंपनी में, इस तीनों में, और तीनों कंपनियां क्या चल रही हैं घाटे में। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि क्यों ना भाई तीनों कंपनियों को मिला के एक कंपनी बना दी जाए तो यूनिटी भी रह जाएगी और फिर इस एक ही अगर कंपनी रहेगी तो उसको ढंग से रेगुलेट किया जा सकेगा और उसमें का पैसा वगैरह भी काफ़ी अच्छा होगा तो आराम से काम कर पाएगी। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट ये स्टेप है वो उठा रही है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वह ये तंजानिया के बारे में। न्यूज़ ये है कि तंजानिया ने यूनाइटेड नेशन जो रिफ्यूजी प्रोग्राम है उससे अपना विड्रॉल है वो कर लिया, मतलब यूनाइटेड नेशंस का रिफ्यूजी प्रोग्राम से अपना पार्टिसिपेशन है, नाम है वो हटा लिया। इसको लेके न्यूज़ आई है। तो इसमें अहम क्या होता है, सबसे पहले तंजानिया की लोकेशन, तो अफ्रीका में तंजानिया की लोकेशन हमें देखनी है। हटाया क्यों है अपना नाम, वो इसलिए हटाया कि सिक्योरिटी रीजंस का हवाला दिया कि भाई रिफ्यूजीज वगैरह वो लोग आते हैं तो उनका सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। जैसे इंडिया ने कहा था अभी कि अगर रखाइन प्रांत से रिफ्यूजी इंडिया में आ रहे हैं तो इंडिया को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सिक्योरिटी कंसर्न है। इसी के साथ ही फंड का भी इश्यू है कि उनके पास इतना फंड नहीं है कि उन सबकी हेल्प कर सकें। तो उसकी वजह से तंजानिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि भैया वो UN का जो रिफ्यूजी प्रोग्राम है उसका मेंबर अब नहीं रहेंगे, उन्होंने अपना नाम है वो विड्रॉल कर लिया है। तो अब चलते हैं हम इसकी लोकेशन की तरफ। लोकेशन हाँ ये रही,
ये आप यहाँ पे देख सकते हो, तंजानिया की लोकेशन है मेनली यहाँ पे अरब सागर में, ईस्टर्न जो अफ्रीका है उस वाले एरिया में है, तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी लोकेशन, तो लोकेशन हमने देख लिया। इसके पड़ोसी सबसे बड़ी बात, लैंडलॉक कंट्री बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, मैं इसको अरब सागर को टेस्ट कर रही है यहाँ पे, ये मोजाम्बिक है और यहाँ पे जो ये वाला है इसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि मोजाम्बिक और जो मेडागास्कर के बीच में इसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो यहाँ पे मोजाम्बिक में जहाँ जो करंट फ्लो होता है ये कौन सा, ठंडा करंट होता है, वार्म करंट मतलब गर्म जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके जो पड़ोसी कंट्रीज है वो भी हम थोड़े यहाँ पे देख लेते हैं, मोजाम्बिक हुआ, यहाँ पे जिम्बाब्वे हुआ, और यहाँ पे यहाँ पे वो रिपब्लिक कांगो है, कांगो कंट्री है, वो हमने डिस्कस की, देख लेते हैं यहाँ पे लोकेशन इसका। यहाँ पे इथोपिया, इथोपिया खैर इसका पड़ोसी नहीं है, यहाँ पे केन्या की लोकेशन है। अब देखो होता क्या है कि जो आसपास की कंट्रीज़ हैं जैसे कि मेनली आप देख सकते हो कि यहाँ कांगो हुआ और इसी के साथ केन्या हुआ, यहाँ से काफ़ी रिफ्यूजीज इस वाले एरिया में आते हैं, तो इनकी हालात काफ़ी अच्छी नहीं है तंजानिया की, तो उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से उन्होंने अपना नाम है वो इससे पीछे ले लिया, तो उसको लेके ही है न्यूज़ आई है, तो हमने इसके बारे में जो पॉइंट था वो डिस्कस कर लिया है। अब आगे इसमें ये है कि ब्रुंडी और कांगो से काफ़ी रिफ्यूज आ रहे हैं, मतलब जो किसी पड़ोसी कंट्रीज़ हैं वहाँ से रिफ्यूज आए, तो ये तो हमें याद नहीं रखना है कि कौन कौन सा कहाँ से है, बट ये ध्यान रखना कि लोकेशन कहाँ है, लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई एम एल ई सी आर आर एफ के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क के बारे में, तो ये इसी से रिलेटेड है, इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं जो भी हमने न्यूज़ डिस्कस किया तंजानिया के बारे में। अब देखो है क्या ये सी आर आर एफ, इसे मैंने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के तहत एडोप्ट किया गया था, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि भाई कोई भी कंट्री इसका मेंबर होती है या इस फ्रेमवर्क को साइन करके रखती है, उसका मतलब ये है कि वो रिफ्यूजीज आते हैं उसकी कंट्री में, जो भी शरणार्थी या प्रवासी लोग आते हैं उनको वो सपोर्ट करेगा, मतलब उनकी हेल्प करेगा, इसी के साथ ही उनके जो भी उनको मतलब सपोर्ट है वो देने का काम किया जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन है वो की जाएगी, उनको एजुकेशन वगैरह है, जॉब वगैरह में हेल्प है वो की जाएगी, तो उसको लेकर ये बनाया गया कि भाई जो भी रिफ्यूजी वगैरह आते हैं किसी कंट्री में तो वो कंट्री उनके विरुद्ध एक तरह से गलत एक्शन ना ले, उनका सपोर्ट वगैरह वो करें, क्योंकि उनको ह्यूमन राइट्स का भी वॉयलेशन नहीं करना, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये सी आर आर एफ कॉम्प्रीहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क है ये बनाया गया था, इसे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ सकती है कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना कि न्यूयॉर्क घोषणा या न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है वो मेनली यूनाइटेड नेशन कॉम्प्रीहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट है, उसी को कहा जाता है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई एम एल ई नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के बारे में, तो जो 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे था और अभी 12 से 18 फरवरी के बीच में नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक है वो मनाया जा रहा है। अब क्या होता है प्रोडक्टिव वीक वो देख लेते हैं। देखो इसमें मेन ये देखा जा रहा है कि भाई कितना इनपुट है दिया जा रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, मतलब एफिशिएंसी देखी जा रही है कि किस तरीके का रिजल्ट है वो देखने को मिला, आउटकम कैसा आ रहा है, तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी चेक किया जा रहा है कि इंडिया के किस तरीके का आउटपुट है वो मिल रहा है सभी जगह जगह पर, चाहे हेल्थ को हो चाहे मेडिकल हो, सभी जगह को, मतलब इंडिया का ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी को कंसिडर किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में, तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा ही यह वीक है वो मनाया जाता है। अब इसमें है क्या, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, 1958 में इसे बनाया गया था, तो अब इसके 60 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसी को लेके है न्यूज़ आई है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनोमस बॉडी है, 1958 में बनाई गई थी, 60 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो उसी मौके पे यह वीक मनाया जा रहा है, तो उसको लेके न्यूज़ थी। तो इस बार की थीम क्या है वो देख लेते हैं, इस वीक की थीम है वो है इंडस्ट्री 4.0 लेफ्रॉग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, तो ये इसकी थीम है, तो हम इस थीम के बारे में डिस्कस कर लिया, यूपीएससी इस पर पूछ सकती है, क्योंकि देखो थीम से ऐसा पता नहीं चल रहा है कि किससे रिलेटेड यह थीम है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई इंडस्ट्रियल 4.0 क्या है, देखो अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चल रहा है, अभी तक तीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और चौथा भी करंट में चल रहा है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांतियाँ हो चुकी है। सबसे पहले देखो औद्योगिक क्रांति हुई थी, 1984 में शुरुआत हुई थी यूरोप के अंदर ही, उस टाइम पे शुरुआत कहाँ से होती, उस टाइम पे शुरुआत हुई देखो स्टीम इंजन वगैरह बनाए गए थे, तो वो शुरुआत थी पहले इंडस्ट्रियल क्रांति औद्योगिक रिवोल्यूशन से। इसके बाद में दूसरी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो था 1870 के आसपास, अभी को जरूरी नहीं कि 70 किसी में 71 मिल जाए, किसी बुक में किसी में 72 73 ऐसे कुछ नियर बाई मिल सकता है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। इसमें क्या हुआ था, जो सेकंड टाइप का इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था इसमें मशीनरी पर ज़्यादा फोकस किया गया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस किया गया, नई मशीनरी आई और जो प्रोडक्ट था कपड़े बनाने की कैपेसिटी थी वो बढ़ गई थी, और उन सब का हमने देखा था कि हिस्ट्री में पढ़ा है हमने कि भाई किस तरीके से इंपैक्ट पड़ा था इंडिया पर, वो सारे पॉइंट्स आते हैं।
आते हैं। इसके बाद में आता है तीसरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो तीसरी जो औद्योगिक क्रांति है उसमें मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, चिप, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनके ऊपर फोकस किया गया था, जो आई थी 1970 के आसपास, 1969-70 के आसपास। इसके बाद में जो अभी चौथी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो अभी चल रही है, जो कि आई थी मेनली 2000 के बाद में इन चीज़ को काउंट किया जाता है। इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाए, इसमें देखो देखा जाता है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुई, या फिर एडवांस नए सिस्टम्स हुए, बिग डाटा हुआ, इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, वो है इंडस्ट्रियल 4.0। तो उसी को लेके कि भाई इंडिया को इंडस्ट्रियल 4.0 में काफ़ी अहम रोल निभाना है, उसको लेके ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि एक आसियान प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है, APO, आसियान प्रोडक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसका हेडक्वार्टर हुआ है टोक्यो बेस्ड है, मतलब टोक्यो बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंडिया का जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो आसियान प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है, इसमें आपको प्लस कर लेनी है। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है वो देख लें। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जो अभी आपको बताना कि रिसेंटली कौन कौन से स्टेट ने लास्ट वन ईयर के अंदर मतलब जो लोन मतलब किसानों का लोन है वो माफ़ किया है। तो आपको बताना कि क्या मध्य प्रदेश है, क्या राजस्थान है, क्या यूपी और हरियाणा, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन से स्टेट ने किसानों के लोन है वो माफ़ किए अभी तक। इसके बाद में देखना है अगला क्वेश्चन ये है कि फॉरेस्ट एरिया कौन से एरिया में बढ़ा है, आपको बताना कौन से स्टेट में भी बढ़ा है, क्योंकि अभी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2017 की, तो उसके बारे में है क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था। पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा कर्नाटका, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा मिजोरम। तो ये आपको चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हवासोंग के बारे में, HWASONG, हवासोंग 15 के बारे में बताना कि है क्या, किससे रिलेटेड है, क्या कोई तोप है, क्या कोई मिसाइल है, क्या कोई व्हीकल है, क्या SPV वगैरह, कुछ भी आपको इसके बारे में बताना है। इसी के साथ हम कल के क्वेश्चन से वो देखते हैं। कल का एक क्वेश्चन था, वो था किरण के बारे में कि KIRN क्या है। तो किरण है वो है नॉलेज इन्वायरमेंट एंड रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू न्यूट्रिंग के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि है क्या ये, क्या इसके बारे में। देखो यह है मेनली वुमेन जो साइंटिस्ट होती हैं उनको एक्चुअली केमिस्ट्री हुई, फिजिक्स हुई, बायोलॉजी हुई, इनमें रिसर्च के मौके या अवसर प्रदान करने के लिए यह गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम है, योजना है, वो चलाई गई है। तो यह ध्यान रखना कि किरण किससे रिलेटेड है, मतलब वुमेन को मेनली वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करते हुए गवर्नमेंट के द्वारा साइंटिस्ट को बूस्ट करने के लिए स्कीम है वो चलाई गई है। अब देखते हैं आगे। अगला जो था वो था मेनली टोटल के बारे में कि इंडिया में टोटल की कौन कौन सी स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। तो मेनली इंडिया में 5 तरह की टोटल स्पीसीज पाई जाती हैं, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले वो है हॉक्सबिल। तो ये हमें ध्यान रखना कि हॉक्सबिल है वो ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है इंडिया में जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद में अगली हुआ ग्रीन टर्टल। तो ग्रीन टर्टल है वो है इंडेंजर्ड में। तीसरा वो है लेदर बैक है वो मेनली वल्नरेबल में आता है। और चौथा वो है लोगर हेड है वो भी वल्नरेबल में आता है। और पांचवा होता है ओलिव रेडली। तो ओलिव रेडली है वो भी वल्नरेबल लिस्ट में ही आता है। तो ये इसके बारे में कुछ थे जो डिस्कस थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो एक बार रिवाइज कर लेते कि आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले ओमान के बारे में जो डक्कम पोर्ट था उसकी लोकेशन देखी, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अहम हो जाती है। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि गल्फ ऑफ मर्सिया भी है। तो ये ध्यान रखना गल्फ ऑफ मर्सिया है कहाँ पे, ये इसकी लोकेशन भी हमें ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो हमारी न्यूज़ थी वो हमने डिस्कस की थी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में कि क्या कंप्लीट केस है और क्या हमने इसके बारे में सारे पॉइंट्स वो डिस्कस किए थे कि नेशनल मेडिकल कमीशन है वो इसको अमेंडमेंट करके बनाया जा रहा है। इसके साथ हमने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जाम के बारे में डिस्कस किया कि जो स्टूडेंट फॉरेन से MBBS करके आते हैं इंडिया में, अगर वो उन्हें कोई भी जॉब कुछ करना चाहते हैं MBBS के बाद, तो उनको FMG का एग्जाम है वो पास करना होता है। और अभी गवर्नमेंट ने ये कर रखा है कि FMG को भाई पास नहीं करोगे तब तक आपको यहाँ पे आप जो भी प्रैक्टिस वगैरह वो नहीं कर सकते, तो उसको लेकर काफ़ी विवाद है। इसके बाद में हमने देखा जोंगझोपा प्रोजेक्ट के बारे में कि जो साउथ ईस्ट एशिया का एक नया गेटवे है जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, आसाम में इसकी लोकेशन है। काम क्या है, स्पेशल पर्पज़ विकी की वजह से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की वजह से इसमें फंड है वो दिया जा रहा है। इसके बाद हमने देखा कि 3 इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनी है गवर्नमेंट की PSUs है उनको मर्ज किया जा रहा है। कौन कौन सी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। क्यों, हेल्दी कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, और तीनों ही कंपनियां अभी घाटे में चल रही हैं। अगला था हमने तंजानिया की लोकेशन देखी, और तंजानिया भी रिसेंटली एक ऐसी कंट्री बनी है जो कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी प्रोग्राम से उन्होंने अपना नाम है वो विड्रॉल कर लिया है। इसके बाद में हमने देखा CRRF कॉम्प्रिहेंसिव रिफ्यूजी रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क, जिसमें ये प्रावधान है कि भाई रिफ्यूजीज को सपोर्ट है, हेल्प है वो की जाएगी ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है वो ना हो, और इसे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हमने देखा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में, जो कि एक ऑटोनॉमस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, 1958 में बना था और अभी इसको 60 साल कंप्लीट हो गए हैं। और जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है वो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का एक फाउंडिंग मेंबर है, टोक्यो बेस्ड है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।